फिल्म के बारे में कुछ बताइए, फिर हम देखेंगे, फिर बात उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सर ये एक छोटा सा सीन है, कितना मिनट का है? 47 सेकंड। सही 47 सेकंड। ओ बस सीन ही है छोटा सा। तो ये आपस में हैंड इन कॉम्बैट कर रहे हैं, तो एक दूसरे के ऊपर, जैसे मैं इसके ऊपर मारने के लिए आया, ये मेरे ऊपर, तो एक बार मुझे ये लगता है कि अब ये मुझे मारेगा तो मैं वहां से बाहर करता हूँ। तो एक आगे सीक्वेंस ये आता है, जैसे मैं थक रहा हूँ और मैं थोड़ा सा महसूस भी कर रहा हूँ इसने मेरे मारी, फिर आगे जाके एक कट आता है कि जब मेरे सारे फ्रेंड्स बैठे हैं, ये पीछे की जिसको नहीं पता कि ये कहाँ है, तो एकदम देखता है वो सभी बैठे हो उसने, तो वो भी इनसिक्योर हो जाता है कि अब ये सब मारेंगे, तो सब उसके पीछे जाते हैं। तो व्हाट इज द बैक हिस्ट्री क्या है? क्या कैरी करेंगे वो डिपेंड करता है ना, पैसा का कुछ हुआ होगा दोनों के बीच में बैक हिस्ट्री में। ये बेसिकली इट्स नॉट लव लाइफ, इससे मनी, मनी को लेके, मनी कैसे टाइप का है, मनी कहीं लार्ज डिस्प्यूट है या राइवलरी है, कोकेन का है, क्योंकि कैरेक्टर एक रियल लाइफ का होता है। मैं बोल रहा हूँ कि जो राउडी होता है, ये कोकेन उसका बेच दिया, वो डिफरेंट कैरेक्टर होगा, उनका फाइट अलग होगा, उसका यूजेस अलग होगा। अगर लैंड डिस्प्यूट होगा, कोई नरम मंदा सडनली कुछ इंसिडेंट आएगा जिसमें सिचुएशन के लिए वो फाइट करेगा। वो इनका पॉकेट मार लिया था, हाँ पॉकेट मार के भाग रहा था, तो फिर ये दौड़ा रहा पकड़ने के लिए। क्योंकि खाली आपको जब भी करेंगे उसका पास्ट, उसका बैक हिस्ट्री आपको लेना बहुत जरूरी है। क्या इसलिए शूट किया गया था इसको, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस करना था, तो हमने वही ऑन द स्पॉट शूट तो कर दिया है। बट शूट भी ऐसे ही होना चाहिए ना, क्योंकि शूट से पहले एक कैरेक्टराइजेशन होनी चाहिए, उसका कैरेक्टर का क्या पास्ट हिस्ट्री है, वो कैसे बिहेव करेगा, वो बिहेव करेगा। अगर मैं बोल रहा हूँ सडनली एक सिचुएशन में मैं हूँ बैठा हूँ, सडनली कोई ऐसे, मैं बहुत नॉर्मल बंदा हूँ, मैं वायलेंस में बिलीव नहीं करता हूँ, बट मेरे पे आता है तो मैं कैसे रिएक्ट करूँ, वो इम्पैक्ट होगा, वो इम्पैक्ट जो होगा वो साइलेंस से चेंज होगा, जो मैंने बोला था कि दूसरा जो है कोई नार्कोटिक वाला आएगा, उसको तो ये पार्ट ऑफ हिज लाइफ है, दिस इज अनदर काइंड ऑफ इंसिडेंट है, अनदर काइंड ऑफ फाइट है, ऐसे टाइप का फाइट वो बहुत जीत चुका होगा, इज नॉट गोइंग टू, वो ऐसे लड़ेगा नहीं जैसे है, मैंने वो उसका एंगर, उसका वो जो वो अलग होगा, वो भी शूट किया, अगर उसको एडिट किया हो तो वो जो इंट्रोडक्शन वाला था वो बेस्ट हो सकता है इसमें, कि उसमें वो क्लियर विजन, क्योंकि वो लड़का है जो साइको है और उसने मर्डर कर दिया, साइको जो है वो क्या, देखा कितना अभी थोड़ा सा बोल रहे थे, अभी साइको तक भी आ गया। सर इसमें जो फाइट वाला सीन है, मकसद था कि हमको फाइट सीन ही शूट करना, ये बढ़िया है, फाइट शूट करने के लिए भी आपका पास्ट हिस्ट्री बहुत जरूरी है। सर एक्चुअली हमको क्योंकि आगे जो आप फिल्म शूट करने वाले हैं ना, उसके बारे में आपको रिसर्च वो सब करके बहुत नो डाउट और प्रैक्टिस करके कैसे करना है, बट वो पास्ट हिस्ट्री ये सब बहुत जरूरी है आपका आगे। हर किसी को वो आर्ट करेगा, एडिट में भी आर्ट करेगा कि आप सिंगल हैंडल ले लेंगे कि कट करेंगे, वो सब बहुत चीज़ें मैटर करता है। बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि जब साउंड में आए, लेट्स गो टू द पास्ट, वो क्या हो सकता है, अगर है नहीं, हम क्या है कि जब शूट किए शायद पास्ट हिस्ट्री इसमें रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, फिर हम एक कम्प्रोमाइज ये में आएंगे। तो मैं बोल रहा हूँ अगर हो रहा है तो वी शुड गो विजिट द पास्ट, क्या हो सकता है, कैसा था, सो दैट हम लोग क्या करेंगे ना, इसको उसी हिसाब से बीच का रास्ता निकाल के क्रिएट करेंगे। दैट सो मेनी थिंग्स, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे बोला कि अगर नॉर्मल बंदा होगा वो पहले एक इम्पैक्ट में आएगा, एंड वी कैन गेट इनटू द इमोशन ऑफ द पर्टिकुलर थिंग, म्यूजिक विल बी डिफरेंट। अगर आप बोल रहे हैं राउडी पॉकेट मार है, पहले से ऐसे किया है, हम लोग उसका इमोशन को जा नहीं सकते, तो हमें फिर डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक, डिफरेंट काइंड ऑफ दिस थिंग्स वो यूज करेंगे। एनी देख लेते हैं।
ये कौन सा फर्स्ट वाला है सेकंड वाला है और एक बार दो तीन बार देखिए देखिए ये जो चलाएंगे तीन बार हर कोई इसको हम लोग आज एक ग्रुप डिस्कशन लेंगे ठीक है उसमें नहीं नहीं ऑडियो नहीं वही विजुअल चलाइए दो तीन बार आप देखिए चार बार पांच बार आपके अंदर आप सोचिए फिर मैं आपके बारे में मैंने आपसे इंटरेक्ट करके फिर दिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा ठीक है देखेंगे हर कोई सोचो हर बार में मैं नहीं शुरू में आप सोचिए वाला जी हम इसको डिस्कशन करेंगे ईच बार में आपके एक नए कांसेप्ट हर जगह का नया चीज जैसे कि मेरे दिमाग में भी आ रहा है क्या क्या करना है आपके दिमाग में भी आना चाहिए ठीक है हम पांच बार के बाद बंद करेंगे फिर मैं सबको पूछूंगा हर किसका आइडिया क्या है ये नहीं कि मैं बोलूंगा मेरा आइडिया मैं मेरा आइडिया बात देखिए
चलिए एक एक करके बताइए आप लोग कैसे इसको कंसीव करेंगे आज शाम भी जाए। साउंड के साथ म्यूजिक भी दिमाग में रखिए, कहाँ कहाँ पहले अगर साउंड करना है तो कीजिए, फिर म्यूजिक का कैसे आप सोचें ये करेंगे। बोले कौन बोले क्या बात है? पहले बोलते हैं कि तूने मुझे किया था असाले असाले, मैं तुझे दिखाता हूँ। बाद में वो उसे मारता है, वो गिर जाता है। गिर जाने के बाद बोलता है देख अभी मुझे दिखाता हूँ, और वो भागने लग जाता है। रुक मैं लाता हूँ अभी, रुक रुक वही रुक आता, वो दौड़ के जाता है उसके पीछे, वो दौड़ता है। आप जो बोल रहे हैं अगर बोले हैं तो रुक मैं ये करता हूँ, जो सस्पेंस बाद में आता है ना उसका फ्रेंड है वो मिस हो गया। आप अगर शुरू से मैं बोल दूंगा मेरे लोग हैं, वो जो इम्पैक्ट ऑफ दिस वो तो सो पहले से आपको रिवील नहीं करना चाहिए। हाँ बताइए। अच्छा जो फाइट हो रहा है पहले उसका इफेक्ट सब डालेंगे और उसको लास्ट में दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? मैंने दोस्त हम जो मार रहा है वो हम पार नहीं पा के बाहर जा रहे दोस्तों करने के लिए, बाद में दिखाएंगे। अपनी से म्यूजिक डाल देंगे। कहाँ से म्यूजिक डालेंगे? सॉफ्टवेयर डालेंगे। कहाँ से डालेंगे? शुरू से डालेंगे, बीच में डालेंगे, कहीं पर कॉन्सेप्ट? देखिए वो जो दिख रहा है वो तो दिख रहा है, उसको छोड़ के आप सीन को एक जैसे आप शॉट को बैकग्राउंड किए, ये शॉट फाइट किया ऐसे आया फिर गया ऐसे टाइप का, आपको उसको बेसिकली सेगमेंटाइज करना पड़ेगा। ये सीक्वेंस को कैसे मैं नैरेटिव में फॉर्म करूँगा ऑडियो वाइज, वो नैरेटिव स्ट्रक्चर ऐसे नहीं कि मैं म्यूजिक डालूंगा मैं ये कर लूंगा मैं वो, ऐसे नहीं है। म्यूजिक कहाँ से आना चाहिए? बिगनिंग से आना चाहिए, बीच से आना चाहिए, कहाँ ख़त्म होना चाहिए या कंटिन्यूस जाना चाहिए, मूड क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको पूरा ये इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। प्लस उसको छोड़ के साउंड डिजाइन में क्या क्या होना चाहिए वो सब चीज़ें मुझे बताइए। और कौन कैसे? हाँ बताइए। स्टोरी लाइन ही बता दिए ना, like what I conceive from that story. Yeah. हाँ बोलिए। और उसी में कॉन्सेप्ट जो किए हैं उसमें क्या क्या एलिमेंट ऑफ साउंड आ सकता है? तो जो एंटागोनिस्ट साइड है ना वो ऑलरेडी इसका प्लान है कि प्रोटैगोनिस्ट साइड के जो मेंबर है उसको उठा के इधर लेके आना है, तो उसको करने के लिए ये पूरा प्लान किया गया है। तो साउंड पहले से स्टार्ट रहेगा, म्यूजिक जब वो चेज करना स्टार्ट करेगा ना तब वो आएगा कि वहाँ पे वो ट्रैक होना शुरू हो गया है। आप जो बोल रहे हैं कि जो स्टोरी आप जो सोचे हैं यही स्टोरी पहले था ना, ये आपका स्टोरी ना, ये अभी मैंने खाली देख के नहीं, वो स्टोरी में नहीं लग रहा है कि उसको बोलना है कि क्या करना है, दैट स्टोरी इज नॉट कमिंग टू दिस। आप जो बोल रहे हैं प्रोटैगनिस्ट को पता है ये बंदे को पहले से कुछ इनको ले किया होगा जिसके लिए इसका मोटो है, इनको लेके जाएगा वहाँ दिखाएगा और फिर उसको ट्रैप करेगा, तो मुझे नहीं लग रहा है कि उसको मालूम नहीं है कि क्यों लेके जाएगा। वो अकेले भी मार सकता था, अकेला क्यों नहीं मारेगा, वो फाइट कर रहा है उसके साथ। पहले जब जीता नहीं है तो फिर वो सोचा लेके जाऊंगा, पहले तो वो खुद फाइट किया ना। नहीं ये जो कैरेक्टर है ना ये एंटागोनिस्ट साइड से और ये कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट साइड से, वो तो बाद में आता है, पहले हम जो फाइट दिखा रहे हैं। फाइलर जब चेस करके वो जा रहा है उसका माने लोगों के पास जहाँ है, तब वो दिमाग में आया होगा कि मैं ये लेके जाऊंगा वहां जाके ट्रैप करूंगा, पहले तो वो मोटिव नहीं है। पहले का मोटिव है कि दोनों का बीच में कॉन्फ्रंटेशन है, आठ मिनट छोड़ा, तो वो स्टोरी पहले से नहीं है। और उसमें ये जो बोले हैं इसमें बताइए आपका साउंड नैरेटिव क्या है?
साउंड डायरेक्टर उतना मैंने डीप में नहीं सोचा है, इसीलिए तो 5 बार मैंने बोला कि आप साउंड में ही सोचिए। बोले सर, जो स्टार्टिंग फाइट हो रही है वो कन्वर्सेशन से हुई है, किसी भी बात पे लेके, मान लीजिए किसी गर्ल से रिलेटेड है तो हुआ, तो फर्स्ट। बट आप जो बोल रहे हैं इतना विजुअल फेस पे, क्योंकि विजुअली कोई बोला नहीं है, ठीक है ना। आपको अगेन, ये अगेन होता है आजकल फिल्म मेकिंग में बहुत टाइम में ना, जब आपका स्क्रीन प्ले वीक हो जाता है हम क्या करते हैं, नैरेटिव वॉइस ओवर डाल देते हैं, जो कि पहले से हम सोचते नहीं है, कंसिप्ट नहीं करते हैं नैरेटिव होगा। हमें लगा दिस सीन इज नॉट वर्किंग, ये ऑडियो डाल दो, विच इज रॉन्ग। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ कि इसमें अगर देखेंगे आप, इतना कट है ना, विजुअल फेस में दिखा रहे हैं आप कैसे ऑडियो डाले फेस, नहीं तो अगर ये होगा तो लिख्त मूवमेंट नहीं है तो कैसे डालेंगे, डाल नहीं सकते। बोलिए और क्या होगा अपार्ट फ्रॉम डायलॉग। कहाँ से आना चाहिए, स्टार्टिंग फाइट में फाइट्स के जो सिंबल्स है वो आ जाएंगे, पंच पड़ रहा है, किक पड़ रही है, वो सारे आ जाएंगे। उसके बाद जब रनिंग होती है वहां से म्यूजिक स्टार्ट होना चाहिए, और साइलेंस म्यूजिक उस समय भी चलना चाहिए, मतलब जब फाइट होती है। और जब वो वहां पोजता है तो वो पोज है उसका, तो वो ग्रुप को देख के डरता है, और वहां से साइलेंस म्यूजिक से वापस बिल्डअप आना चाहिए, जब वो पूरी शेप वापस दी जाए। सर ऐसे कॉमेडी सीन में अपन कॉमेडी फाइट में सोचन कर सकते हैं, कॉमेडी फाइट में इनसे ऐसा कि एक जो वो जो मारा जो भगा है, जो जोर के भगा है, उसके पहले एक हुई की कहानी है, पहले कहानी बता रहा हूँ मैं, कि वो जो है ना किसी और को मार रहा था, ये बीच में आया, अबे तो उसको क्यों मारा, मुझे मारना, तो इसको मारता है, फिर ये भगते भगते जाता है, ये कॉमेडी है सीन है, ये भी वीक कमजोर है, वो भी कमजोरी था, तो ये जो कमजोर पार्ट है जो भगा है, तो वो गया अपने पावर के पास कि मैं आपके पार पास जाता हूँ, ये तो सर हेल्प पड़ गया है, तो ये भी कमजोर, फिर उसकी पावर देख के ये डर गया और ये फिर भागने वाला मार गया, तो ये कॉमेडी नहीं। ये जो आप बोल रहे हैं ये शूट करना चाहिए, ये अपना स्टोरी है, वो नहीं चलेगा इधर। बेसिकली जो फिल्म में दिख रहा है वी हैव टू गो फॉर दैट स्टोरी, वो ऐसे स्टोरी आप करेंगे तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। आप, मैं बोल रहा हूँ हर किसी का अपना अपना स्टोरी हो सकता है, क्या होगा पास्ट, मैं बोल रहा हूँ जो दिखता है उसी के ऊपर हम नैरेटिव करेंगे। हाँ और कौन क्या सरप्राइज एलिमेंट निकल जाएगा, आप जो बोल रहे हैं ना वो सरप्राइज एलिमेंट निकल जाएगा, क्योंकि ये एक अच्छा एक ट्विस्ट है एंड का जो है ना, अगर पहले से दिखा देंगे प्लस बार वो, फिर वो ट्विस्ट वो सरप्राइज एलिमेंट निकल जाए, इसमें वही एक सरप्राइज एलिमेंट है इनका एंड आप जो कर रहे हैं। और यू आर सेइंग समथिंग, या द गाइस इज डूइंग फाइटिंग फॉर सम रीजन ऑन द गाय ए इज नॉट एबल टू मैच द गाय बी, सो ही इज रनिंग रनिंग समवेयर एंड सम वी डोंट नो, या he doesn't know that his friends are there in that lobby for the viewers, actually he is running as per to save his life, yeah, somewhere else. Immediately he noticed that his friends are been in that lobby, see he gets confidence that he can escape from that guy B. So immediately the guy B is came forward to attack this guy. He noticed that he has more guys, so he felt that we can't able to manage that A. So he ran away. So all those guys are being
सो नाउ टाइम तो ज़्यादा नहीं है, सो लेट मी कम टू माई कंक्लूजन. ओके, इसको हम सेगमेंट वाइज जाएंगे. फर्स्ट लेट्स अप्रोच डायलॉग. ओके, सो डायलॉग में यू डोंट हैव द मैंने मोस्ट ऑफ द केसेस फेस, वो फेस पे बिकॉज ऑफ फेस यू कैन क्रिएट द नैरेटिव. अरे तुम मुझे ये किया था वो किया था, हो नहीं सकता. एक तो डेफिनेटली यू हैव, जब वो फाइट किए यू हैव ब्रेथ, जो कि स्ट्रगल हुआ होगा, ही इज रनिंग एंड दोनों का ब्रेथ होगा. सो बेसिकली ऑल द ऑफ स्क्रीन डायलॉग जहाँ विजुअल नहीं, सपोज माई फेस है एंड हिज फेस इज नॉट, द अदर गाय ऑलवेज कैन से लाइन वे रुक, अबे कहाँ भाग रहा है, रुक, ऐसे बिफोर हिज फेस कम्स. चेस सिक्वेंस में ही कैन एक्चुअली मोर, वो ज़्यादा उसको टीज कर सकता है, मैं तुझे देखूंगा व्हाटएवर द चेस, बट एक एक वार्ड में उसको आप थोड़ा सा ड्रामाटाइज कर सकते हैं चीज़ों में, ठीक है ना, टिल ही मिस. बिगिनिंग जो चेस बिगिनिंग जो हो रहा है, बिगिनिंग में ये दोनों के बीच में एक आधा डायलॉग होगा तो होगा, मुझे दिख नहीं रहा है विजुअली कुछ होगा, बट एक सबका फ्राउनिंग मूवमेंट दोनों का रहेगा एंड फाइट रहेगा. फाइट में ये दोनों का गिरना वो करना, एक एम्बियंस वहाँ का रहेगा. जब मैंने सब वो बोला था वहाँ टू गेट इनसाइड तो दे आर मैंने इनसाइड फाइट जो इंटरनलाइज एक होता है ना, तो लाइक जो सिनेमैटिक में आप शुरू से म्यूजिक ना करके टू गेट इनटू द पर्टिकुलर इनसाइड द फाइट देन म्यूजिक स्टार्ट्स. बिफोर रनिंग जो लास्ट पोर्शन में आपका पहले फाइट हुआ ये हुआ एंड देन ए फाइट का मोटिव शुरू हुआ एंड वहाँ से वो भागा एंड चेस में आपका म्यूजिक शुरू हुआ. चेस में शुरू हुआ एंड चेस में आपका डायलॉग भी ऑफ स्क्रीन में ये बोला, जो भी ऑफ स्क्रीन है जो डायलॉग आप बोल सकते हैं ऑफ स्क्रीन में जहाँ फेस नहीं है एंड चेस हो रहा है, म्यूजिक चल रहा है. जब वो खड़ा हो गया टोटल साइलेंस एज यू सेड साइलेंस एंड देयर यू कैन गो फॉर ए कॉमिकल एंगल, स्माइल, साइलेंस एंड एक पाउंसिंग बैक में द म्यूजिक विल बी डिफरेंट. नॉट यहाँ एक म्यूजिक था ही जस्ट ट्राइंग टू एस्केप एंड ये बंदा था डरा हुआ है, वो जो होता है ना एक एस्केपिंग फ्रॉम दिस, अब वहाँ रिवर्स होगा दैट कैन बी ए अगेन लिटिल मस्ती वाला जो बोल रहे हैं ना सब जा रहे हैं एंड एंड में इफ यू वॉन्ट टू एंड द स्टोरी एंड में बहुत सारे फिल्म में क्या होता है ना, भाग रहे हो मेक इट ब्लैंक, एक ब्लैंक दे दीजिए 5-6 सेकेंड में एंड उसको पकड़े हो मार रहे हैं वो बचाओ ऐसे कमिकल करना है, ऑडियो में एंड करो. सो अभी जब विजुअल हो रहा है गिव ए ब्लैंक ऑफ 5-6 सेकेंड्स, ठीक है, एंड ब्लैंक में देख एवरीबडी पाउंस ऑन हिम ही होल्ड नहीं मैंने भूल हो गया समथिंग हमने इफ यू वॉन्ट टू हाउ वॉन्ट टू एंड द स्टोरी एंड सब पिटाई कर रहे हैं एंड ओनली ये बंदे का आ रहा है ये एंड मे बी कमिकल एंड करना है तो जैसे भी करना है एक 5 सेकंड का ब्लैक आई कुड सी की स्टोरी कैन बी एंड एंड ऑडियो कैन बी ऑन दैट पर्टिकुलर डे. इसमें बिगिनिंग में जब शुरू हुआ वहाँ जो एम्बियंस है एफेक्ट्स है वो फाइट का उसमें वेरी नेचुरल जैसे होता है वो नॉट ड्रामाटाइज. जब आप ट्रैवल कर रहे हैं ट्रैवल में आप लोग कोशिश कर सकते हैं कि काफ़ी पेड़ पौधे हैं चिड़िया भी हो सकते हैं, सो बेसिकली नेचर जो हो दिस गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड. एक झाड़ में कोई चिड़िया उड़ सकता है फर की जिसमें एक दंडा का निकल सकता है, बिकॉज इट्स ए चेंज ऑफ जियोग्राफी, एक प्लेस टू दूसरा प्लेस टू तीसरा. अगर म्यूजिक कम करके आप अगर म्यूजिक के साथ साथ एम्बियो को प्ले करना पड़ेगा, एक फुटस्टेप्स उसका रहेगा फॉलिंग, उसका ब्रेथ रहेगा, इसका बैक ये रहेगा, म्यूजिक रहेगा एंड हम अगर जियोग्राफी चेंज करेंगे क्योंकि एक पोर्शन में एक जियोग्राफी है उसके बाद वो आगे चला गया होगा काफ़ी बाद में वो जाके पहुंचा होगा अलग अलग जगह पे, वी कैन क्रिएट डिफरेंट बर्ड्स में भी दिस फ्लाइंग आवर टाइप का ये करके ऐसे टाइप का हो सकता है एंड आगे जाके कोई दूसरा और मे भी कुछ चीज़ें कोई गिर सकता है जैसे कि वो चिड़िया उड़ते हैं तो कुछ मैंने ड्राई छोटा सा स्टिक गिर सकता है जो कि साइलेंस का एनहांस करने के लिए एंड एंड में जाके आप उसको वो लाउड में एक पीक में जाएगा एंड उसके बाद वो जब
खड़ा हो गया, सब देख रहे, दैट वुड बी साइलेंस। साइलेंस मीन्स वही का नेचर का जो साउंड आएगा। एंड जब उठ रहे हैं वहाँ से म्यूजिकली एक हैवी रिवर्स में एक कमिकल पीस आ सकता है कि पाउंसिंग बैक, दैट शुड बी वेरी ये टाइप का म्यूजिक होना चाहिए जो चेस में जा रहे हैं। एंड एंड में जाके आप देखिए कैसे वही सब रन कर रहे हैं एंड बाद में उसको आप कमिकल वेन में आप एंड कर सकते हैं। दिस इज माई टेक ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग वॉट एवर यू आर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे छोटा एक क्लिप बनाया है उसमें दिखाना चाहते हैं कि उसमें हम क्या साउंड में गलती की है। कौन सा बोला? छोटा एक मेरा वीडियो क्लिप है जो अभी डबिंग काम नहीं किए हैं तो उसी ही हम रो फाइल उसको लिए देख, उसमें हम दिखाना चाहते हैं उसमें हम क्या गलती की है साउंड। आप दिखाना चाहते हैं क्या ना, मैं दिखाऊं क्या गलती की है? नहीं नहीं, जैसे उसमें हमने गलती क्या की है ये चीज। अच्छा अच्छा, अब वो थोड़ा प्ले कीजिए सेकंड वीडियो। आप मेरे पास है वीडियो, इसके पास है वीडियो, दिखाइए क्या क्या कुछ अभी शूट किया है पहले का? नहीं तो पहले का, उसमें गलती सारा की है दिखाना चाहते हैं। कितना कितना क्या गलती की है, कितना मिनट का है? 2 मिनट का। देखिए सबको अगर अलाउ है तो फिर हम देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अभी 5 मिनट रहा, लेट्स हैव अ डिस्कशन क्लोजिंग दिस थिंग्स। मुझे बताइए किसको क्या पूछना है, मैंने बात करने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। आप कैसे मैंने क्या पूछना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, क्या कमी तो बहुत रह गया होगा नो डाउट, बट मैं बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिकली और कुछ अगर आप मुझसे पूछेंगे, क्योंकि आपका जो 5 मिनट का एक फिल्म बनाने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं, साउंड में कैसे अप्रोच करना है, क्या करना है, एंड एनी पॉइंट ऑफ टाइम कभी भी फोन पे आई एम ऑलवेज अवेलेबल सर, अगर अगर कुछ हेल्प चाहिए आई कैन गाइड, दैट्स नॉट एन इशू। मुझे बताइए अभी क्या चाहिए आप लोगों से, आप लोगों को और क्या ये हो सकता है? सर आपका कितना क्रू होता है, कितना टाइम लगता है ये प्रोसेस में? यू आर टॉकिंग पोस्ट ना, क्या है प्रोडक्शन से लेके पोस्ट में? पोस्ट नहीं, लोकेशन में तो मेरा क्रू 1+3 होता है, प्लस 6 से 8 सिक्योरिटी रहते हैं, साउंड सिक्योरिटी। सो 1+3 सिक्योरिटी का सबका जॉब क्या होती है? 1+3 जो है उसकी जॉब, वन इज असिस्टेंट, असिस्टेंट लोकेशन रेकी करता है, जाके शुरुआत में होता है जनरेटर कहाँ पार्क होगा, एंड साउंड सोर्स और लोकेशन का क्या कि एवरी डे चेंज होता है, साउंड सोर्स क्या हो सकता है, आठ लॉगिंग करना है एडी के साथ टाइम करके ओवरलैप, वो लॉगिंग क्या होगा, सीन नंबर शॉट नंबर कहीं गलती होता है, वो सब चीज़ें करना है। प्लस समटाइम्स मुझे अगर वो लोकेलिटी का एम्बियंस इफेक्ट रिकॉर्ड करना है, भेजना है, आई कैन सेंड द कैरेक्टर, ही कैन कलेक्ट ऑल द लोकल एम्बियंस टू डिफरेंशिएट दिस फिल्म फ्रॉम अदर्स, ये सब चीज़ें बहुत होता है। वो फर्स्ट सेकेंड बूम वो कैमरा का साथ रहते हैं, टू बूम थ्रू आउट रहता है, समटाइम्स आई यूज 3 बूम्स ऑल्सो, तो असिस्टेंट होता है समटाइम्स दे यूज टू गो फॉर 3 बूम्स। आई ऑलवेज इंसिस्ट ऑन द शूट व्हेन देयर आर 4 कैरेक्टर, जब हम क्लोज में जाते हैं 3 कैरेक्टर भाग जाते हैं, तो उसमें आई मेक श्योर दैट ऑल द एक्टर शुड गिव देयर क्यू इवन इफ एक्टर इज एक्टिंग परफॉर्मेंस। उसमें क्या होता है, आप भी परफॉर्म अच्छा करते हैं एंड पार्लरली मुझे भी साउंड सब मिलता है, आई यूज टू कैप्चर ऑल द थिंग्स। सो मेक श्योर जब भी आप कर रहे हैं ऑल द काउंटर एक्टर, even if they are not action needed from the scene, they should actually give the cue buffer to get a better performance of the actor who is in the film. तब उनका sound better निकल जाता है। Not this better, मैं बोल रहा हूँ उनका performance भी, अगर आप बोलेंगे मैं ऐसे normally मैं आपको आपको के लिए मैं cue दूंगा, आप perform उस level में नहीं करेंगे जब counter actor बाजू में आप feel करेंगे। वो हरदम not for sound, but for the performance of the actor, I always insist, director always insist, keep the actor next to them, जहाँ जहाँ थे, so that they are performing. Post में जो सारा sound है, उसको खाली balance sound करने में कितना time लगता है? Balance sound नहीं होता है, पूरा double काम होता है, sync sound dubbing में, sync sound में ज़्यादा time लगता है, I take never 4 months, 3.5 to 4 months, खाली dialogue का cleaning के लिए it takes 1.5 months. एंड साउंड डिजाइन होता है, फॉली होता है, फॉली आता है डायलॉग के साथ मर्ज होता है, फॉली जो लोकेशन का है ये फॉली है, वो दोनों को मैच करना पड़ता है, फिर टोनिंग करना पड़ता है, किसको रखना है किसको नहीं रखना है, लोकेशन और फॉली जो क्रिएट होता है उसको फिर इक्यू करके रिवर्ब देके उसको मर्ज करना पड़ता है, फिर डिजाइन आता है, डिजाइन के साथ
आपका मैंने जैसे बोला साइकोलॉजिकल डिजाइन है, कैसे क्या करना है उसको करना पड़ता है, फिर सबको डायलॉग एफेक्ट्स सब मिला के फिर डायरेक्टर को दिखाते हैं, डायरेक्टर फिर अपना विजन देता है, फिर हम लोग बाउंस करते हैं म्यूजिक डायरेक्टर को, म्यूजिक डायरेक्टर मुझे बाउंस करता है, हम देखते हैं कैसे दोनों का साउंड म्यूजिक एंड एफेक्ट्स जेल होता है, जेल नहीं होता है तो मैं देखता हूँ कि ये जो पोर्शन है ये म्यूजिकली एसोसिएट होगा, उसको मैं ज़्यादा कलाकारी करके और बढ़ाता नहीं, जहाँ जहाँ म्यूजिकली एसोसिएट नहीं है मैं वहाँ क्या करता हूँ ना साउंड को एसोसिएट करता हूँ, अंडरलाइन करता हूँ, म्यूजिक जो होता है उसके साथ हम बात करते हैं कि ये जो सेक्शन है उसको ऐसे करते हैं, करते हैं उसको एक सुर मिल जाता है एफेक्ट्स का, सो दैट वो एरिया में काम ज़्यादा नहीं करता, ऐसे करके हम लोग कोलाबरेटिवली सब काम करते हैं और डायरेक्टर को उसी हिसाब से एक दो पास करने के बाद सो वो इससे इंफॉर्मेशन। साउंड में टोनालिटी देखनी पड़ती है, नोट्स वगैरह देखना पड़ता है कि साउंड में, हाँ नॉट ऑलवेज, काफ़ी जगह पे म्यूजिकल नोट देखना पड़ता है, म्यूजिकल नोट में सपोज मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ एक कीर्तन चल रहा है इधर एंड कीर्तन में एक म्यूजिक है, म्यूजिक का साथ एक क्लाप है, वो क्लाप को इशू क्रिएट द म्यूजिक अकॉर्डिंग टू क्लाप को एक एलिमेंट इंस्ट्रूमेंट लेके आप उसमें काम करना पड़ेगा, एंड इवन इफ डायलॉग का जो पंक्चुएशन होता है म्यूजिकली दे हैव टू एडिट, बिकॉज एडिट म्यूजिक साउंड ये सब इंटरलिनेटेड है, वो अगर उसको पीछे एक वोकल चल रहा है हाई रेंज में ये सब बोल रहा है, मुझे जब टिप करना पड़ेगा म्यूजिक वो सडनली उसका इम्पैक्ट ऑफ द सीन विल गो, सो बेसिकली द एडिटर हैज टू एडिट द डायलॉग इन सच वे दैट द हाई पिच के बाद जो लो जाएगा ना कि डायलॉग को, सो एडिटरियली ही हैज टू जस्ट क्रिएट द सीक्वेंस इन एज सच वे दैट वो हर चीज को एनहांस मिले। सर साउंड निकालने का कुछ क्लू दीजिए ना, जैसे कि बादल गरजने का कुछ साउंड होता है वो एक्चुअली कुछ क्रिएशन कुछ ऐसा बताइए। काफ़ी सारी क्रिएट होता है, बहुत सारी घोड़ा दौड़ने के लिए हम दो नारियल का ये लेके नमक में वो डालते हैं वो करते हैं वो बारिश के लिए जाते हैं, सो मेनी थिंग्स आजकल तो सब कुछ वीडियो में मिल जाता है चीज़ों, ठीक है सर। यस सर, थैंक यू वेरी मच, सॉरी।